हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज हम एक ऐसे जिले के बारे में रोचक जानकारियां देने जा रहे हैं जिस जिला का क्राइम रेट पूरा बिहार में सबसे ज्यादा है। इस जिला में महाभारत काल में समुद्र मंथन भी किया गया था। बस इतना ही नहीं, टूरिस्ट के लिए बांका जिला हमेशा आकर्षण का केंद्र बना रहता है। तो दोस्तों चलिए आपको लेकर चलते हैं बांका जिला की यात्रा पर। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल वाला बटन को दबाकर फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकॉन को, जिससे कि हमारे चैनल पे जितने भी वीडियोज अपलोडेड किए जाएंगे उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों बांका जिला 21 फरवरी 1991 को स्थापित किया गया था, जो कि पहले भागलपुर जिले का सब डिवीजन हुआ करता था। जी हाँ दोस्तों, बिहार राज्य के दक्षिण पूर्व में स्थित बेहद ही खूबसूरत जिला है। दोस्तों बांका जिला का प्रशासनिक स्थान बांका शहर में ही है। तो दोस्तों आपको बता दें कि बांका जिला का पड़ोसी जिला झारखंड राज्य का गोड्डा जिला, बिहार का भागलपुर जिला और जमुई और मुंगेर जिला से घिरा हुआ है। दोस्तों इस जिला का कुल क्षेत्रफल की बात करें तो जी हाँ दोस्तों, इस जिला का कुल क्षेत्रफल 3020 वर्ग किलोमीटर है। जी हाँ दोस्तों, बांका जिला का एक चौथाई भाग पहाड़ और जंगलों से घिरा हुआ है, जो कि इसे और भी काफी सुंदर दर्शाता है। अगर बात करें प्रशासनिक संरचना की तो जी हाँ दोस्तों, बांका जिला के अंतर्गत सब डिवीजन बांका, 11 ब्लॉक अमरपुर बांका, बाराहाट, बेलहड, बौसी, चंदन, धोड़ैया, फुल्ली डूमर, कटोरिया, रजौन और शंभुगंज और 2 म्यूनसिपलिटी बांका और अमरपुर, 85 ग्राम पंचायत और 2000 गांव आते हैं। तो दोस्तों बांका जिला पहुंचने के लिए सड़क मार्ग और रेल मार्ग का इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां एक और सड़क मार्ग में नेशनल हाईवे से 333A बांका से होकर गुजरती है, तो दूसरी ओर रेल मार्ग में बांका रेलवे स्टेशन में आसपास के कई शहरों जैसे कि भागलपुर, सुल्तानगंज, हसडीहा आदि रेगुलर सेवाएं मौजूद है। तो दोस्तों बांका जिला का कुल आबादी 20,34,763 व्यक्ति है, जिसमें से 10,67,140 पुरुष और 9,40,000 महिलाएं शामिल है। वैसे तो बांका शहर में कई धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं, लेकिन उस जिले में प्रमुख धर्म हिंदू जो कि 87% और मुस्लिम धर्म 12% है। बात अगर साक्षरता की करें तो बांका जिला में साक्षरता दर 58% है, जिसमें से 67% पुरुष हैं और 47% महिलाएं हैं। पढ़ाई के लिहाज से बांका जिला एक डेवलपिंग जिला है। बांका जिला में कई सारे स्कूल और कॉलेज पढ़ने के लिए मौजूद हैं, और जिनमें से केंद्रीय विद्यालय बांका, RMK इंटर स्कूल, गर्ल्स हाई स्कूल अमरपुर इत्यादि स्कूल हैं। बांका जिला में चिकित्सालय सुविधा हेतु सदर अस्पताल बांका है, और दोस्तों बांका में स्थित मंदार पर्वत, जिसे प्राचीन काल में मंदार हिल के नाम से भी जाना जाता था, जहां पर हर साल जनवरी महीने में बौसी मेले का आयोजन किया जाता है। भगवान मधुसूदन की रथ यात्रा जुलूस हर साल उसी दिन होता है जब पुरी में रथ यात्रा होता है। बांका जिला में मुख्य भाषा बोले जाने वाले हिंदी 91% एवं संथाली 4.20% है। बात अगर किया जाए व्यवसाय की तो यहाँ पर ज्यादातर व्यवसाय खेती यानी कि कृषि क्षेत्र का है। यहाँ की प्रति व्यक्ति आय 14,000 के करीब है। बांका जिला के विकास में मुख्य समस्या क्राइम है। वर्ष 2018 के लिए क्राइम रेट 166% है। तो दोस्तों बांका जिला आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही और दूसरे जिलों के बारे में जानकारी लेनी है तो फटाफट से कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।